हेलो सभी को, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करा जाए कि कैसे होते हैं वो। मंगा तो लिए हैं बट कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो सबकी स्किन अलग होती है, तो कुछ लोगों को सूट भी कर सकते हैं बट मुझे सूट नहीं करे, तो मैं अपना बता देती हूँ। मेरी वैसे कॉम्बिनेशन स्किन है और दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। टफल का ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिव स्किन के लिए या ड्राई सारी स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और ये पूरी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है इस वाले मॉइस्चराइज़र को। मैंने काफ़ी मॉइस्चराइज़र यूज़ किए थे, जैसे नीविया के, और भी बहुत मॉइस्चराइज़र यूज़ किए थे, बट वो ग्रीजी सा स्किन कर देते हैं, ऑयली सा हो जाता है स्किन, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं जो लोग की स्किन ड्राई होती है, या वैसे तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही चाहिए सारी स्किन वालों को, तो CTM करना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। इस क्रीम में अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप ये यूज़ कर सकते हो, एक्वालॉजिका का ये वाला ग्लोपस ड्यूई सनस्क्रीन, ये काफ़ी अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे रही हूँ आपको, जो मैं यूज़ कर रही थी या कर रही हूँ। ये है शुगर का ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग सनस्क्रीन, जिसको मैंने सिर्फ हैंड में यूज़ किया, मतलब फेस में भी एक बार यूज़ किया था, बट मुझे इसके बाद अगर आप कुछ यूज़ करते हो, जैसे फाउंडेशन यूज़ किया, तो मतलब वो बहुत केकी सा हो गया था, मतलब ब्लेंड ही नहीं हो रहा था इसको यूज़ करने के बाद, तो ये सनस्क्रीन मुझे अच्छी नहीं लगी। बस ये है, अगर आपको सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा शाइन भी करता है स्किन में। ये देखो, इसको हाफ इधर वाले इसमें मैंने नहीं लगाया, हाफ में लगाया, तो ये ऐसे मतलब आपको शाइन दे रहा है, हाइलाइटिंग का काम कर रहा है आपके लिए। तो इसको मेकअप के साथ यूज़ करके तो मतलब केक ही हो गया था मेकअप, बट अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत शाइन कर मतलब शाइन देता है आपको, हाइलाइटिंग का काम करता है। ये देखिए, इस साइड पे नहीं लगाया था मैंने, सिर्फ इस साइड पे लगाया, आपको पता चल रहा होगा। वैसे अच्छा है, ये शुगर कॉस्मेटिक का है, पर इसको मेकअप फाउंडेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते आप ऐसे, मेरे से तो ब्लेंड ही नहीं हुआ इसको यूज़ करने के बाद फाउंडेशन, मतलब वो बहुत केकीज़ा हो गया था, तो इसको सिर्फ विदाउट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसको हैंड में यूज़ कर रही हूँ, हैंड और नेक में, कहीं जाते हैं तो तब, वरना नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, हैंड में यूज़ करते करते भी ख़त्म ही हो गया, बचा है अभी। गाइस, मैंने परसों ये ख़रीदा, डाबर गुलाबरी रोज़ को, ये वाला, मतलब ये इतना गंदा प्रोडक्ट है, इससे मेरा पूरा फेस ड्राई हो गया और इतना बर्निंग सेंसेशन, जलन हो गई पूरे फेस में, बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसको तो मत ही यूज़ करना, जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग मत ही यूज़ करना इसे, बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है। नायका से ये रहने का लिप ऑयल मंगाया है, तो मुझे लगा इससे मॉइस्चराइज रहेंगे लिप्स, बट वो सिर्फ एक दो मिनट के लिए ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं। इससे अच्छा अगर वैसलीन यूज़ कर लो, बोरोलिन यूज़ कर लो, ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, लेना तो मत ही लेना। और मैंने रहने का ये वाला प्राइमर मंगाया था, ये बॉलीवुड फिल्टर वाला प्राइमर बहुत ट्रेंड पे चला था एक टाइम पे, मुझे तो कोई इतना अच्छा नहीं लगा ये। आप लोगों को अच्छा लगता था आप लोग ले सकते हैं, उतना बुरा भी प्रोडक्ट नहीं है, ये प्राइमर है, ब्लर कर देता है थोड़ा सा पोर्स को मिनिमाइज़, उतना नहीं करता जितना कि एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे थे वो लोग, पर हाँ थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया ये, यूज़ किया है पर दूसरों के स्किन में यूज़ किया, अपनी स्किन में
एक दो बार यूज़ किया है। ये है एक शुगर का ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र, पिंक ट्रिपिंग शेड है इसका। ये काफ़ी अच्छा है, इससे मतलब आप मेकअप करने से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके फेस को शाइन कर देता है, हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं वैसे हाइलाइटर यूज़ करती नहीं हूँ, कभी किसी पार्टी में जाना होता है शादी वादी में तब मैं एक दो बार ही यूज़ किया है, बट मैं करती नहीं हूँ, मैं यही लगाती हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखो ख़त्म भी हो गया ये, उसका कैप भी पता नहीं कहाँ गया। और ये नायका का प्रैप मी अप फेस प्राइमर है, ये भी ठीक ही है। मैं तो लैक्मे का यूज़ करती हूँ प्राइमर, मुझे वो ही अच्छा लगता है। ये मैंने पता नहीं किसी कुछ चीज़ें ली थी उसमें फ्री आया था, तो मैंने तब थोड़ा एक बार यूज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक ही था, अच्छा भी क्या कह सकते हैं। सो अगर आपकी स्किन में सूट करते तो आप ले सकते हैं, इतना छोटा ही लीजिएगा पहले तो टेस्ट करने के लिए कि कैसा है। आजकल बहुत इंस्टाग्राम में भी बहुत वायरल हो रहा है, फेसबुक में, ये बेला विटा का लग्जरी परफ्यूम्स जो है, सो मैंने सोचा हम भी एक ऑर्डर खोलें, और ये गिफ्ट सेट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जस्ट अभी नायका से आया था एक, तो मैंने अभी ओपन किया है, तो इसमें ये फ्लेवर के परफ्यूम है, ये वाले रोज़ ग्लैम डेट सिनोरिटा। अब इसको देखते हैं कैसे इसका फ्रेगनेंस है, तो ये है कुछ इस तरीके से, सब वुमेन के लिए। जो भी लड़कियां मेरा ब्लॉग देख रही हैं, जो भी वुमेन्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इनकी, बहुत अच्छी। इस वाले की तो अच्छी आई है, रोज़ वाले की नेचुरल आ रही है बिल्कुल, ज़्यादा वो भी नहीं, हार्ड भी नहीं, स्ट्रॉन्ग वाली नहीं, बहुत अच्छी आ रही है। इसको ट्राई करते हैं, सारी ही परफ्यूम्स ये जो बेला विटा के हैं, अच्छी परफ्यूम, इसमें से अच्छा फ्रेगनेंस आ रहा है, इन दोनों में से तो बहुत अच्छा है। अब इसको ट्राई करते हैं, एक हाथ से फोन पकड़ो, एक हाथ से, इसमें से अच्छी आ रही है, मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है, इसके और इसके दोनों की, अब पूरा रूम खुशबूदार हो गया, बहुत अच्छी आ रहा है। अब इसको ट्राई करते हैं, इन दोनों की थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये लास्ट वालों की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट इसकी और इसकी आप डेली यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा, नाइस, अच्छा लगा। अब देखना है कि कितने आज तक स्टे करते हैं बॉडी में। अभी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है जो बेला विटा यूज़ किया उसकी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, यही थी आज की वीडियो।